hello everyone welcome again to our educational channel our today's lesson will be from unit 3 of class 8 maharashtra board this is the poem which is written by robert frost the poem name is the road not taken 3.3 the road not taken it is written by the uh, by, by our poet robert frost okay so first we'll uh, understand something about our poet and then we'll come to the detailed explanation of the poem okay so uh, let let us see

इट वॉज़ पब्लिश इन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट से पब्लिश होने से पहले वो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था और ये जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस वो बहुत बार उन, उनके लाइफ टाइम में बहुत बार और बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें ऑनर्ड किया गया था ठीक है तो ये जो उन्होंने पोएम लिखी है रोड नॉट टेक इन मैं अगर आपको उसके हेडिंग का मीनिंग बताऊँ तो ये उस रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने नहीं चुना जो पोइट ने नहीं चुना तो ये इस पोएम के जरिए क्या बताना चाहते हैं हमें पहले हम वो पढ़ लेते उसके बाद हम स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे इससे क्या होता है हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसके हेल्प से हमें पोयम का थ्रू आउट थीम एंड आइडिया समझ में आ जाता है और हम पोयम के लाइंस को कनेक्ट uh, कर सकते हैं पोएट uh, के थॉट के साथ ओके okay, तो ये क्या बोलते हैं रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोयम लिखी हुई है व्हाट यू वांटेड टू से इन दिस पोयम दैट देर आर टू रोड इन आर लाइफ देर आर टू चॉइजेस इन आर लाइफ एक पॉइंट आता है जब हमारे लाइफ में दो चॉइज होते हैं और उन दोनों में से एक चॉइस हमें लेक्ट करना होता है एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होता है जो हमारे लिए सही है तो उस टाइम पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन पे हमें चलना पड़ता है और उस ऑप्शन के वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे वो डिसीजन के वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस uh, आते हैं मतलब हमारा लाइफ उसके ऊपर ही अफेक्ट होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है वो डिसीशन के ऊपर तो इसीलिए अगर हम डिसीशंस लेते हैं ना तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि uh, कितने लोग वो डिसीजन लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो एट स्टैंडर्ड में हो और आप टेंथ स्टैंडर्ड तक जाते हो क्लियर करके और आगे आपके पास दो डिसीशन होंगे कि आप अगर आप कॉमर्स लोगे कि साइंस लोगे तो ज्यादातर क्या होता है क्या करते हैं बच्चे कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया है तो मैं कॉमर्स लूंगा मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स ने सबके सब, सब फ्रेंड्स ने साइंस लिया है तो मैं क्यों अकेला कॉमर्स लूँ मैं भी साइंस लूँगा तो ये डिसीशन मेकिंग इस तरीके से नहीं होना चाहिए डिसीशन मेकिंग इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सूटेबल है ना कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये वही बताना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर डिसीशन आता है तो आप दोनों की सोचो एक वो रास्ता जो आपने चुना है और वो रास्ता जो आप आप छोड़ रहे हो दोनों के बारे में सोच के, आप एक ले लो जर्नी के बारे में इन्होंने एक पोयम लिखी है और ये जो पोयम है रोड नॉट टेकन ये उनकी बहुत ज्यादा फेमस पोएम्स है पोएम्स में से एक है टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वोड अ अस लाइफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड येलो वुड का मतलब क्या है वो हम आगे बढ़ते हैं तो बट ये दो रोड्स जो डाइवर्ज हो रहे हैं वो पर्सन की लाइफ सिंबलाइज कर रहे हैं कि कैसे पर्सन की लाइफ में दो रोड्स होते हैं और नरेटर का जो चॉइस है जो उन्होंने चॉइस किया कि दोनों में से कौन सा रूड रोड चूज करना है तो वो उन्होंने बहुत सोच समझ के चॉइस किया और कैसे उनके चॉइस उनका डिसीशन decision, उनके डिसीशन इफेक्ट करते हैं फ्यूचर पर वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है हमें सेंजा वन पे आते हैं जरा फोर स्टेंजा इन दिस पोयम तो स्टेंजा वन पे आते हैं हम लोग देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है दैट सॉरी टू रोड्स डाइवर्ज डाइवर्ज मींस डिवाइडेड इन ए येलो वुड अब यहाँ पे येलो वुड वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट और येलो क्यों लिखा है येलो मींस वो फॉरेस्ट येलो क्यों है क्योंकि क्या होता है uh, जब विंटर uh, सीजन आने वाला होता है तो क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो हो जाती हैं ठीक है ठीके? तो वो ऑटम सीजन का ये बारे में बात कर रहे हैं ऑटम सीजन में पत्तियाँ जो है वो लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं और ट्रीज से गिरने लगते हैं तो वो जो फॉरेस्ट है वो पूरा येलो लीव से भरा हुआ है मतलब ऑटम सीजन है और वो फॉरेस्ट में गए हुए हैं और चलते उनको रास्ते में चलते चलते वो एक जो रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता दो रास्तों में बटा हुआ है डिवाइड किया हुआ है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ मैं दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ पोइट बोल रहे हैं मैं दोनों तो ट्रैवल नहीं कर सकता हूं मुझे कोई एक एक करना पड़ेगा ट्रैवलर ही जगह का ट्रैवलर बनना पड़ेगा आई लॉन्ग आई स्टूड में बहुत देर तक उस वहां पे खड़ा रहा और मैं देखता रहा उन दोनों रास्तों को और मुझे वो दोनों रास्ते जहां तक दिखाई दे रहे थे वहां तक मैं देख रहा था एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई could, जितना दूर तक मुझे उस वहाँ पे खड़े रह के वो रास्ते दिख रहे थे उतना दूर तक मैं देख रहा था वहाँ तक देख रहा था जहाँ तक वो रास्ते मोड़ नहीं ले देते bend नहीं हो जाते टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ और जब जहाँ तक वो मुझे दिख रहे थे वहाँ तक मैं देख रहा था अंडर ग्रोथ मतलब ग्रास के जो छोटे छोटे ग्रास थे ना उनकी ग्रोथ की वजह से जो राइटर को रास्ता है वो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था जहाँ तक वो बेंड हो रहा था वहाँ तक वो देख पा रहे थे उसके बाद उनका विजन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा था स्टेंजा टू देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर बेटर क्लेम दोनों में से एक रास्ता मुझे चूज करना था मैंने चूज किया दूसरा वाला रास्ता और मैंने बहुत सोच समझ के एक रास्ता चूज किया और किस तरीके से उन्होंने चूज किया वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो लगा कि बेटर है मेरे लिए मैंने वही रास्ता चूज किया क्यों बिकॉज मुझे क्यों लगा कि वो रास्ता बेटर है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वीयर दो एस फॉर दैट द पासिंग देयर ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता जो है दोनों में से एक रास्ता जो है वो ग्रासी है और दूसरे रास्ते की ग्रास जो है वो कुचल कुचल मतलब वहाँ पे लोग चल चल बहुत ज़्यादा चले हैं शायद बहुत ला लोगों ने वो रास्ता चूज किया इसलिए उस रास्ते पे ग्रास बहुत ही कम है ना के बराबर और दूसरे रास्ते पे लोग बहुत कम चले हैं इसीलिए वहाँ पे ग्रास ज़्यादा है तो उनको वही रास्ता समझ में आता है जो ग्रासी वाला है और वो क्या बोलते हैं कि शायद इसे बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते को चूज नहीं किया है एंड वॉन देन रियली अबाउट सेम शायद एक रास्ते से ही चल चल के उस रास्ते की जो ग्रास है वो वॉन कर दी है खत्म कर दी है क्रश कर दी है और दूसरा रास्ता इसीलिए ग्रासी है तो मैं इसीलिए दूसरा रास्ता ही चुनूंगा जो किसी ने नहीं, नहीं चुना तो मैं सबके पीछे नहीं चलूँगा, मैं सोचूँगा कि कौन सा अच्छा है और मैं वही रास्ता चुनूंगा एंड बोट देट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ, फर्स्ट फॉर डे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों को आजमा रहा हूँ मैं दोनों रास्तों को आजमा रहा हूँ पर मुझे इन दोनों में से एक ही रास्ता अच्छा लगा ठीक है इन लीव नो स्टेप हेट ट्रॉड ब्लैक एक रास्ते से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ते की जो पत्तियां हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और दूसरे रास्ते की ग्रास पत्तियां बिखर रही हैं खत्म हुई हैं ओ आई कैप्ट फर्स्ट तो मैं जो पहला वाला रास्ता है उस पर मैं नहीं चलूँगा वो मैं दूसरे दिन के लिए रखता हूँ मैं दूसरे दिन पे जब यहाँ पे लौट के आऊँगा तो वो रास्ता भी चल के देखूँगा येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मुझे पता है कि किस तरीके से ये रास्ते मेरे आगे जाके आ, फ्यूचर चुनेंगे आगे जाके मेरे डिसीशंस का इफ़ेक्ट बताएंगे आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक और ये रास्तों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आगे बढ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसा ना हो कि जो मैंने दूसरा रास्ता चुना है वो और रास्तों में बटे और मैं आगे चलता जाऊँ मुझे वे मिलता जाए और शायद मैं डाउट हो रहा है मुझे कि शायद मैं यहाँ कभी वापस आ ही ना पाऊँ फिर भी मैं इनमें से यही रास्ता चुनूंगा जो किसी ने नहीं चुना है I shall be telling this with और ये जो मैं बोल रहा हूं ना आगे जाके फ्यूचर में शल बी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि फ्यूचर में मैं जो भी मैंने जो भी रास्ता चुना है तो फ्यूचर में वो रास्ता मुझे सुकून ही देगा दिस इजर नंबर फोर्थ मैं एक साय के साथ मतलब साय का मतलब लंबी सांस लेना तो डीप ब्रीथ आप रिलैक्स होके भी ले सकते हो आप जब बहुत ज्यादा परेशान हो तो वो परेशानी में आप थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए भी डीप ब्रीथ लेते हो तो ये वही बोला गया है कि मैं शायद आगे जाके मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है तो शायद आगे जाके मैं बहुत डीप ब्रीथ से बता पाऊंगा कि जो मैंने रास्ता चुना उसका मेरे ऊपर कैसा इफेक्ट हुआ समर एजेस एंड एजेस हैं टू ना वो यहाँ पे फिर से लिखा है कि बहुत टाइम बाद अभी तो नहीं मैं बहुत टाइम बाद ये शायद चीजें बता पाऊंगा जब इफेक्ट मुझे नजर आएगा जो दो रोड्स मैंने चुने थे फॉरेस्ट में से जो दो रोड्स डिवाइड किए गए थे और मैंने वो तो रोड चुना आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय वो रोड जो ना जो लेस ट्रेवल हुआ था जहाँ पे लोगों ने जो लोग कम लोगों ने चुना हुआ था और यही चीज़ है जिसने पूरा डिफरेंस किया है और यही चीज़ उस रोड को डिफरेंट बनाती है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस पॉइंट ये बोलना चाहते हैं कि लाइफ में अगर कहीं पे डिसीजन लेने की बात आए तो तब ज़रा सोच लेना कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा और उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग सारे कॉन्स नेगेटिव साइड्स एंड पॉजिटिव साइड्स को ध्यान में रख के आप डिसीजन लेना ना कि जो ज्यादा लोग ले रहे हैं वो ठीक है तो अभी आपको समझ में आया रोड नॉट टिक इन पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हम पूरा टेक्स्ट बुक कवर कर रहे हैं ट्वेल्थ का कंप्लीट हो चुका है एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ का चालू है ग्रामर सेक्शन भी हमने पूरा सिखाया हुआ है और जिसका प्ले में पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा प्ले बना हुआ है ग्रामर सेक्शन का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग